दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को लिखा शिकायती पत्र, केजरीवाल की सेहत खराब होने की जताई आशंका, तय डाइट और दवा नहीं लेने का दिया हवाला। राजस्थान विधानसभा में परिवहन उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा, 587 कटौती प्रस्ताव मिले। विधानसभा में गूंजा फर्जी आधार कार्ड मामला, सीबीआई से जांच कराएगी सरकार, केंद्र को भेजी सिफारिश। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट घोषित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने सार्वजनिक किए नंबर। हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर, आर्मी चीफ का दौरा, टॉप कमांडर्स के साथ बैठक, 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात। हेडलाइंस के बाद में आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। पूरे देश में नीट पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट घोषित कर दिए। एनटीए ने वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के नंबर अपलोड कर दिए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया था। आपको बता दें कि नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि शहर और केंद्र के हिसाब से नंबर सार्वजनिक करें, लेकिन स्टूडेंट्स की पहचान उजागर ना हो। आपको बता दें कि बिहार में सबसे पहले नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था। इस मामले में बिहार पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सरकार ने सीबीआई को पेपर लीक की जांच सौंप दी। बताया भी जा रहा है कि एजेंसी अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जल्द ही इस मामले को सुलझा देगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं। कम कैलोरी से उनका वजन कम हो रहा है। केजरीवाल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे। 6 जून से 13 जुलाई के बीच प्रॉपर डाइट नहीं ली गई है। केजरीवाल डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा गया कि एलजी ने मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित चिकित्सा, आहार और दवाओं का सेवन न करने पर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल जानबूझकर लो कैलोरी डाइट का सेवन कर रहे हैं। वे डॉक्टरों के लिए दिए गए डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे। एलजी ऑफिस द्वारा लिखी चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी का सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है, क्या कोई आदमी खुद की जो शुगर है वो कम करेगा, जो कि बेहद खतरनाक है। एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसे लेटर नहीं लिखने चाहिए। ईश्वर ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे गया, सीएम कोमा में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। राजस्थान सरकार ने सांचौर में फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन से कराने की सिफारिश केंद्र को भेज दी है।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक रतन देवासी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी। पटेल ने कहा कि इस मामले में आईटी मंत्रालय ने 28 जून को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच सीबीआई को देने को कहा था। पटेल ने कहा कि इस केस में कुछ आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की तलाश जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों के लिए चुनौती है, भले सदन के बाहर उठाए या सदन के अंदर। अब ये क्या होता है कि इस प्रकार के लोग जो ये नेटवर्क चलाते हैं, इस प्रकार के लोग जो इसको फर्जी बिलिंग करने के लिए, फर्जी करने के लिए उसको यूज करते हैं इन आधार कार्डों को, तो वो हम लोगों के लिए भी चुनौती बने। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे इश्यूज उठने के बाद में सोशल मीडिया पे उन लोगों के भी जो है राजस्थान पुलिस को और सक्षम विभागों को नजर रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट्स कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुए, और ये चीजें भी आपके संज्ञान में आ जाएगी। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। ये विषय बहुत गंभीर है। इस विषय पर हम सब बातें भूल करके राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अतः इन आधार कार्डों की गहन जांच होनी चाहिए। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, लेकिन और गति इसमें पकड़े ताकि शीघ्र इसकी जांच हो करके इस तरह के जो आधार कार्ड फर्जी बना रहे हैं ऐसे संचालकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि जनता को भी लाभ मिले और सुरक्षा भी हो सके और ऐसे एलिमेंट्स पर भी अंकुश लगा जा सके। नहीं तो क्या सरकार सोती नहीं रहती। सरकार ने पकड़ा है, जेल में डाला है, मुकदमे दर्ज कराए हैं, सीबीआई में भेजा है और 14 मशीनों को डीएक्टिवेटेड किया है।